तो गाइस आप सबको पता है कि इस वक्त मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ। दो दिन सफ़र के बाद अभी इस वक्त मैं स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा सिटी जो ज्यूरिख है, ज्यूरिख में पहुँच चुका हूँ। अभी होटल में चेक इन किया, करने के बाद मैं सोचा थोड़ा बाहर निकलो, तो बाहर इधर पता चला कि ये जो जगह है ये यहाँ पे ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड स्पेशली यहाँ पे कोई समंदर नहीं है, पूरा चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक है, झील है, कितना बड़ा झील है, ये समंदर के बराबर है, देख लीजिए आप कितना बड़ा झील है। तो ये झील का पानी भी देख सकते हैं, इतना पानी इतना क्लीन है, नीट एंड अप, मतलब ये फिल्टर वाटर के जैसा है यहाँ का झील। और शाम को सब आपको पता है ज्यूरिख के बहुत, मतलब दुनिया का सारे बैंक का हेड क्वार्टर यहाँ पे है, तो सारे दिन भर लोग बिजी रहते हैं काम पे। उसके बाद जो उन लोग शाम को, जब हमारा जैसे मुंबई में हम लोग समुंदर के किनारे में जाते हैं हवा ले खाने के लिए, सब बैठते हैं, तो यहाँ पे लोग यह लेक साइड में आते हैं। ये सबसे खूबसूरत लेक है, इसको ज्यूरिख लेक कहते हैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं ये बोट है, आप देख सकते हैं बोट है, बोट में भी आप ट्रिप कर सकते हैं। बोट में भी मैं लास्ट विजिट में आया था विंटर में था, तो उस टाइम मैं बोट में भी घूमा था। और लेकिन विंटर में ये जो सारे रेलिंग देख रहा पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था, पूरा सफ़ेद सफ़ेद था। मैं विंटर में भी वीडियो बनाऊँ, वीडियो भी मैं शेयर करूँगा मेरा सोशल मीडिया में, आप मेरा सोशल मीडिया में फॉलो करते तो आप देख सकते हैं विंटर का मेरा वीडियो। तो देख लीजिए ये पीछे सारे जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख रहा है, सारे ये बैंक्स ऑफिसेस इधर का बहुत बड़ा बड़ा सारे, मतलब हेडक्वार्टर्स है यहाँ का। तो ये दुनिया का सबसे रिच कंट्री में माना जाता है, सबसे एक्सपेंसिव कंट्री में माना जाता है। और आप ये देख सकते हैं मेरा पीछे सारे लोग हैं, या बोट, अभी बोट चल रहा है, बोट पूरा टूर कराएगा, सारे सिटी के चारों तरफ घुमाएगा। यहाँ से अगर कभी भी अगर कोई ज्यूरिख में आ रहा है, तो ज्यूरिख जो मेन रेलवे स्टेशन है वहाँ से अब अगर पैदल चल के आएंगे तो 10 मिनट लग जाएंगे, और ट्राम भी चलते रहते हैं, ट्राम में भी आ सकता है। तो मैं चल के, मैं थोड़ा थोड़ा देख लेता हूँ, तो मैं चल के आ गया, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है।